यार काफी लोगों को चाहिए टेबल स्टैंड, और जो कि काफी बजट प्राइस में आता है और काफी महंगा आता है। तो मैंने मीडियम साइज का मंगा लिया है, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए देखते हैं उसके अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं वो किस काम के लिए आता है, वो भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं 2.2 अनस्टेक, और ये रहा बॉक्स। इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, जिसका प्राइस भी अच्छा है और आपको प्राइस भी बताएंगे। और ये रहा स्टैंड, जो स्टैंड है ये किस काम के लिए आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप किसी भी वीडियो बनाते हैं जिस टेबल स्टैंड पे लगा के, और नीचे ड्राइंग हो गई या आपकी हो गई आर्ट वीडियो, और आपका हो गया किसी भी मतलब कि क्लास वगैरह अगर आप चलाते हैं, अगर आप ये टेक वीडियो अनबॉक्सिंग की वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं, मतलब नीचे से, जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगा इसको बना करके और इसको सेट करना दिखाते हैं और उसकी क्वालिटी आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करो। सबसे पहले ये रहा बॉक्स, जो कि इसकी कंपनी देख सकते हैं आप, जो भी है आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा इसकी कंपनी, इसमें ये आपको लिखा है। और इसके साथ आपको सबसे पहले मिलता है आपको ये स्टैंड, और ये रहा स्टैंड, और इस साइड आपको मिलता है ये एक होल्डर, और इस साइड आपको मिलता है ये छोटा वाला होल्डर, और ये रहता है टेबल को फंसाने के लिए। तो चलते सबसे पन्नी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। इसकी पन्नी एक हटा दी इसकी, और ये रही बड़े वाले की पन्नी, जो कि आप इसका काम ये होता है सिर्फ टैब वगैरह में लगाने के लिए, जैसे आपके पास टैब वगैरह है या तो फिर फ़ोन को इस तरीके से अल्टिकल और जिस साइड से आपको लगाना हो इसको लगा लीजिए, और ये होता है आपको इस तरीके से सेट करने के लिए। आपको हम सेट करके भी दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लिपकार्ट ने इसकी पैकिंग की है, बाकी इसको देख सकते हैं आप, ये मतलब होता है। और इस साइड आपको कुशन लगा हुआ है कि जैसे मतलब कि फ़ोन पे कोई मतलब फिकर, बाकी आपको फ़ोन लगा के दिखाते हैं कि कैसे लगता है। जैसे ये फ़ोन रहा, अब आपको इसको इस साइड में ऐसे बड़ा करके इसको ऐसे लगा सकते हैं, और काफ़ी ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से लग गया है। अब बड़े वाले को एक बार लगा के आपको दिखाते हैं। बड़े वाले का काम है जैसे ये आपका टैब वगैरह हो गया लगाने के लिए, और पीछे इसमें स्प्रिंग वगैरह है, इसमें स्प्रिंग टाइप का लगा है जिससे इसको हटाने से तुरंत नीचे चला जाता है। बाकी ये आपको लोहे का मिलेगा यानी किसी ये, और ये आपको प्लास्टिक का है ये वाला। तो अब इसको अनबॉक्सिंग कर आपको दिखाई दी है, अब इसको एक बार पूरा सेट करके दिखाते हैं और आपको तब बताते हैं कि इसमें आपको स्प्रिंग लगी। काफ़ी अच्छा है, मतलब बढ़िया है, और इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है, ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। बाकी ये सारी चीज़ बढ़िया है। आपको एक और मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, वो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। वो इससे थोड़ा बड़ा साइज़ का था और थोड़ा महंगा भी था और अच्छी क्वालिटी का था। बाकी इसकी भी क्वालिटी बढ़िया है। अब इसको एक बार हम सेट करके लगा, ये जो चीज़ होता है इसी जगह पर हमारा फ़ोन होल्डर लगता है। आपको भी हम सिर्फ ऐसे दिखा रहे हैं लगा के, इसको इस तरीके से आपको ऐसे पुश करके लगाना है। तो चलिए इसको भी एक बार हम सेट करके आपको दिखा दें। इसको आराम से निकालिए, और इसके साथ इसमें ऐसे लगा रहता है प्लास्टिक, और प्लास्टिक को आपको ऐसे इसमें डालना है, और डालने के बाद इसको इस तरीके से करने के बाद इधर से आपको अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देना है। टाइट कर देंगे आप ऐसे ही इसको। अब इसको हटाते हैं साइड में, उसको निकालते हैं। अब ये रहा अपना छोटा वाला, जो ये छोटा वाला है इसको भी आप इसको ढीला करके आपको इस तरीके से लगा लेंगे। तो चलिए अब इसको सेटिंग दिखाते हैं, और अब दिखाते हैं इसमें लगाने की सेटिंग। इसको पहले हटाते हैं, रैपर को करते हैं इधर, और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको एक प्लास्टिक मिल जाएगी जिससे आपको इस पर निशान पड़े, बाकी आपको इसको इसमें लगाना है। और इस साइड से इसको आपको लगा के दिखाते हैं, इसको इस तरीके से आपको लगाना है, जो कि इसको ढीला करके अच्छे तरीके से लगा दें, चाहे कि ठीक है। इसको लगाने के बाद आपको यहाँ से इसको टाइट कर देना है। दोस्तों यार सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो फिटिंग है ना, आप बड़े आसानी तरीके से मतलब बहुत अच्छी, इसका यूज़ ज़्यादातर इस वीडियो बनाने के लिए भी किया जाता है, ज़्यादातर क्या बोलते हैं माइक का भी काम करता है इसको माइक में लगाने के। बाकी अब इसको हम आपको इसमें लगा के एक बार पूरा सेट करके आपको दिखा दें। अब इसको आपको स्टैंड मिले तो मैंने पूरा सेट कर दिया है, जो जो चीज़ इसमें सेट करना रहता है। बाकी आप इसको इस तरीके से वो ऐसे कर सकते हैं, इसमें स्प्रिंग भी लगी काफ़ी टाइट है। बाकी अब इसको टेबल में लगा के आपको दिखाते हैं। इधर आपको एक कुशन टाइप का ऐसे सुख्ता जिसे बोलते हैं ऐसे लगा है कपड़ा, इसमें जाहे कि इस पर दाग ना लगे, और इसको इधर से ऐसे हमको टाइट कर देना होता है। इसको अच्छे तरीके से हम टाइट कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो गया है। अब आपको इधर इसको ऐसे ढीला करना है, और आपको इस तरीके से इसको टाइट कर देना है। अब आते हैं सामने की ओर।
बाकी आप इसकी पूरी साइज़ आपको दिखा देते हैं एक बार, इसका पूरा व्यू देख लीजिए। इसमें कोई भी अभी आपको ब्रांडिंग नहीं दिख रही है, क्योंकि इसका कोई ब्रांड वगैरह जो है इसका नाम, लेकिन इसमें ब्रांडिंग नहीं की गई है। और बाकी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, दोनों स्प्रिंग दी गई हैं इसमें जो कि काफ़ी अच्छी हैं, और इसकी भी ये चीज़ भी क्वालिटी अच्छी है। तो पूरा आप इसका एक बार लुक दे, स्प्रिंग मिल जाएगी। और इस साइड आपको ये थोड़ा ढीला उला करके आपको इसको जो कैसे भी करना है लूज़ कर सकते हैं। बाकी इधर आपको दो स्प्रिंग दी है, और ये रही इसकी क्वालिटी, पूरा मेटल का है, अच्छी क्वालिटी है। मतलब जो पहले वाली वीडियो बनाई थी जो ऊपर महंगा था, पर उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। बाकी इधर रहा इसका, इसकी आप पूरी साइज़ जो देख सकते हैं काफ़ी टाइट है यार, टाइट रहेगा तभी तो सही रहेगा। बाकी इसका पूरा जो साइज़ है ये आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ कितनी है। आप एक बार ऐसे तरीके दिखा देते हैं इसकी साइज़ कितनी आ रही है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। बस आपको एक बार नीचे का सूट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको सूट किया जाए। ये रही इसकी साइज़। अब इसको एक बार हम आपको इस पर मतलब फ़ोन लगा के आपको दिखाते हैं कि इसका मतलब कि पूरा आ रहा है कि नहीं, जो हम करना चाहते हैं अनबॉक्सिंग बढ़िया आ रही है कि नहीं। बाकी साइज़ वगैरह आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको आपको नीचे का पूरा रिव्यू दिखाते हैं एक बार। वीडियो का जो मेरा बनाने का मकसद है ये कि आपको नीचे का इसका लुक कैसे लग रहा है। बाकी आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं, इस साइड से आपको ढीला करके इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो अपना है इसका मेरा मेन मकसद है, एक भाई अगर कोई सी टेक वाले मतलब बंदे को चाहिए तो ये भाई परफेक्ट है, बजट प्राइस में है। आप इसको अगर अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो अगर आप बनाते हैं तो आप बना ही सकते हैं, क्योंकि भाई ये सभी लोग का ये होता है कि भाई नीचे ही बनाना, काफ़ी जुगाड़ करके इसको बनाते हैं। लेकिन भाई जिसके पास अगर बजट हो तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो मैंने एक वीडियो डाल दी, लिंक कमेंट में मैं पिन कर दूंगा या तो एंड में वीडियो दे दूंगा, तो आप जाके वहां से देख लीजिएगा। तो बाकी आपको दोस्त एक चीज़ और बताना था, ये आपका जो है ये 360 रोटेट कर सकता है, और बाकी ये चीज़ आपका ढीला करने पे 180 आपको ये रोटेट कर सकता है। बाकी ये जो आपका ये वाला जो सिस्टम है ये भी आपका 135 फोल्ड हो सकता है, और ये भी 360 आपका पूरा रोटेट हो सकता है। बाकी इसका जो मॉडल जो नेम है इसका ये आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। बाकी इधर आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा रोक के, और इधर मैं बता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है, वीडियो और फ़ोन, और फ़ोन उसके बाद माइक्रोफोन, पॉप फिल्टर जो होता है पॉप फिल्टर और माइक लगाने के लिए, और ये वीडियो हेड जो आपका होता है। अब बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर इससे बड़ा वाला अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। बाकी ये हमको मिल गया था 699 रुपये का, कैश ऑन डिलीवरी लेके पड़ा था 604 रुपये का, 704 रुपये का, सॉरी 704 रुपये का मिला था। बाकी वैसे उसका प्राइस जो है 699 है, मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी दूसरी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जाके वो वाली भी वीडियो देख लीजिए। बाकी लाइक और शेयर है, चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के पास जो लेना चाहता है टेबल स्टैंड और माइक के लिए, या अपने वीडियो शूट या स्टडी किसी चीज़ के लिए भी लेना चाहता है तो उसके पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। चेंज नाम जिमें ट्रेंड नी फेरी रखे करके गुडी ते बेंड नी चकने लगे ना पट्टू लाऊं दा बेंड नी कोई नी।